इन दिनों बिहार में बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटी सरकार के खिलाफ नकेल कसने वाली आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह की चर्चा जोरों पर है। पहले तो उनकी खूब वाहवाही हुई, लेकिन अब वो विवादों से घिर गई हैं और उन पर राजनीति तेज हो गई है। 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह को बिहार में लेडी सिंघम के नाम से भी बुलाया जा रहा है। आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह कुछ दिनों पहले पुलिस टीम की अगुवाई करके विधायक अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित पैतृक घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने उनके घर से AK-47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए थे, जिसके बाद विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया था। लेकिन इन सबसे दूर अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद लिपि सिंह और उनकी टीम अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में जिस गाड़ी से पहुंची थी, उस गाड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि लिपि सिंह जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी, उस गाड़ी पर सांसद का स्टिकर लगा था, जबकि गाड़ी बिहार के जेडीयू के MLC के नाम पर है, जिसके बाद RJD अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि ये गाड़ी बेनामी संपत्ति का मामला हो सकता है। क्या कार्रवाई है, तो कानून जो है अपना कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोर्ट का मामला है, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, कोर्ट देखे। दूसरी बात, जो विषय आप लोगों ने उठाने का काम किया कि जो भी अधिकारी हैं, जिनकी भी बेटी हो, और हमने तो पहले भी कहा था RCP टैक्स, बिना RCP टैक्स के तो कोई काम ही नहीं होता। और ये जो दिल्ली गई कार्रवाई करने, जिसकी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, तो MLC जो हैं जनता दल यूनाइटेड के, जिन्होंने RCP टैक्स दिया है, उस वजह से वो MLC बने हैं। अब पता नहीं कितना कितना बेनामी गाड़ी और बेनामी संपत्ति फलना जी और फलना जी के नाम पे है और उपयोग कोई और कर रहा है। ये असली बेईमान लोग तो ये लोग हैं, असली बेनामी संपत्ति तो ये हुई, स्टिकर चिपका हुआ MP का। पुलिस के अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, और कौन से गाड़ी से जा रही हैं, किसके नाम वो रजिस्टर्ड है, ये जिसके नाम से भी गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसका तो और खोजबीन करना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और बिहार सरकार पर भी आरोप लगाया कि ED और CBI क्या सिर्फ लालू परिवार के पीछे पड़ी हुई है। ED और CBI और इनकम टैक्स खाली लालू जी उनके परिवार के लिए है, भ्रष्टाचार पे हमला बोलना है तो केवल हम ही लोग भ्रष्टाचारी हैं, और लोगों पे भी कार्रवाई करे तब ना माने। ये जितना सृजन घोटाले वाले और जितना आपका बालिका गृह वाले, सबको बचाने वाले नीतीश कुमार और RCP सिंह है, कहां से पैसा आ रहा है भाई, लग्जरी गाड़ी में बेटा बेटी घूम रहा है। बहरहाल अनंत सिंह तो जेल पहुंच गए हैं और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन IPS अधिकारी लिपि सिंह पर जो विवाद बढ़ता जा रहा है, उस पर उनकी पार्टी की तरफ से नीरज कुमार ने सफाई दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने हमला तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।